हेलो स्टूडेंट्स आवर टूडेज टॉपिक इज एवरीज एक्सपेरिमेंट इन 1994 नाइनटी फोर ओ टी एवरी मैकलोड एम सी मैकार्टी सेपरेटेड एस्ट्रेक्ट ऑफ स्मूथ वायरल एंड बैक्टीरिया इन टू प्रोटीन डी एन एंड कार्बोहाइड्रेट फ्रैक्शंस ईच फ्रैक्शन बाज सेपरेटली एडिड टू अ कल्चर मीडियम कंटेनिंग लाइफ आर रफ बैक्टीरिया हेयर वी कैन अंडरस्टैंड इट दिस इज द एवरीज एक्सपेरिमेंट एवरीज एक्सपेरिमेंट में क्या था इन्होंने एस थ्री बैक्टीरिया लिया था इसको हीट किल्ड किया क्योंकि ये क्या था एक ऐसा स्ट्रेन था जो कि वायरुलेंट था इन्होंने क्या किया इस स्ट्रेन में से रिमूव कर दिया एंजाइम की हेल्प से लिपिड और कार्बोहाइड्रेट अब इस स्ट्रेन में क्या रह गया बैक्टीरिया में सिर्फ प्रोटीन आर और डी रह गया इन्होंने तीन अलग अलग टेस्ट ट्यूब्स ली और तीनों में प्रोटीन डी और आर तीनों चीज़ें थी फर्स्ट को इन्होंने ट्रीट किया प्रोटीज एंजाइम से प्रोटियस एंजाइम क्या करता है प्रोटीन को किल कर देता है मतलब उसको डाइजेस्ट कर लेता है फिर उन्होंने डीएनए और आरएनए एन ए रह गया बिल्कुल उसके बाद उन्होंने लाइव आर टू बैक्टीरिया ले जो कि ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं तो लाइव आर टू एस थ्री बैक्टीरिया जो होते हैं आर टू से ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं दूसरी में इन्होंने क्या किया प्रोटीन आर एन ए और डी एन ए तो लिया ही हुआ है अब उन्होंने इसको आर एन एनजाइम से आर एन ए को किल कर दिया अब रह गया प्रोटीन और डी एन ए अब फिर लाइव आर टू बैक्टीरिया ले उनका भी ट्रांसफॉर्मेशन हो जाता है थर्ड में इन्होंने डी एन एज एनजाइम लिया डी ने क्या किया डीएनए को किल कर दिया अब रह गए प्रोटीन और आरएनए अब लाइव आर टू ले अब इन्होंने देखा कि जैसे ही हम ये एक्सपेरिमेंट करते हैं जब डी डाला तो लाइव आर टू बैक्टीरिया जो थे वो ट्रांसफॉर्म नहीं हुए तो इन्होंने क्या कहा कि जो डी है वही एक ऐसा मटीरियल है जो कि ट्रांसफॉर्मेशन शो नहीं करता कोई ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होती इसका मतलब दिस इज़ द जेनेटिक मटेरियल इसके बाद हम इसको एक्सपेरिमेंट को रीड भी कर लेते हैं द कल्चर विच रिसीव डी एन ए फ्रैक्शन फ्रॉम वायरल एंड बैक्टीरिया प्रोड्यूस स्मूथ बैक्टीरिया दिस प्रूव दैट डी एन ए ट्रांसफॉर्मिंग एजेंट वैन डी एन ए फ्रैक्शन वाज ट्रीटेड डी ऑक्सीडाइबो न्यूक्लियस एंजाइम इट बिकम इनएक्टिव दिस कन्फर्म दैट डी एन द जेनेटिक मटेरियल एंड इट इज नॉट डिस्ट्रॉय इफ सेल सरकिल्ड विद हीट

लिया जो कि बैक्टीरिया को अटैक करते जो ऐसे वायरस जो बैक्टीरिया को अटैक करते हैं उसको बैक्टीरियो कहा जाता है बायोलॉजी में देखो जो बैक्टीरियो थे इन्होंने क्या किया इन्होंने दो बिकर लिया अलग अलग और उसमें वायरस को ग्रो करवाया फर्स्ट बिकर में इन्होंने डाला रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस दूसरे बिककर में इन्होंने डाला रेडियो एक्टिव सल्फर रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस जो होता है जो फॉस्फोरस है एक्चुअल वो किसका पार्ट है डीएनए का पार्ट है तो डीएनए क्या हो गया इसका रेडियो एक्टिव है अब इसका प्रोटीन पार्ट रेडियो एक्टिव है क्योंकि ये सल्फर जो है प्रोटीन का पार्ट है अब एक में फॉस रेडियोक्टिव फॉस्फोरस है एक में रेडियोक्टिव सल्फर है अब इन दोनों में से वायरस को निकाल के इस इस बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करवाया जाएगा इसके अंदर जेनेटिक मटीरियल जो है वो फॉस्फोरस है जेनेटिक मटेरियल सॉरी रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस है तो जब ये जेनेटिक मटेरियल इसके अंदर आएगा तो ये जेनेटिक मटेरियल इसके अंदर ये शिक्का कोलाई इसको अपना जेनेटिक मटेरियल समझेगा और उसको उसकी कॉपीज़ बना देगा और पूरा का पूरा जो बैक्टीरिया है वो रेडियो एक्टिव ईकोलाई बन जाएगा और इधर क्या होगा नॉट रेडियो एक्टिव ईकोलाई होगा मतलब रेडियो एक्टिविटी तो शो ये करेगा ही नहीं क्योंकि ये प्रोटीन पार्ट में था इसके तो इसके प्रोटीन पार्ट में रेडियो एक्टिव मटेरियल uh, है तो प्रोटीन कोट क्या हो जाता है वो बाहर ही रह जाता है तो इसके अंदर आएगा ही नहीं उसके बाद क्या करेंगे सेंट्रीफ्यूजेशन करेंगे सेंट्रीफ्यूजेशन में क्या होगा एक मिक्सी लेंगे मतलब एक ब्लेंडर लेंगे उसके अंदर क्या होता है जो हल्के पार्टिकल होते हैं मिक्सी में दोनों को लेके घुमा देंगे दोनों मतलब ए बैच है इधर बी बैच है इन्होंने क्या किया इसको सेंट्रीफ्यूज किया अब करेंगे तो क्या होगा इस शिक्किया को लाई रेडियो एक्टिव जो है वो नीचे आ जाएगी और जो इसका प्रोटीन कोट है वो ऊपर चला जाएगा क्योंकि वो हल्का होता है और इसमें जेनेटिक मटीरियल जो है रेडियो एक्टिव है तो ये पूरी की पूरी सिक्क को लाई रेडियो एक्टिविटी शो करेगी और इसका प्रोटीन कोट तो रेडियो एक्टिव था ही नहीं इसलिए रेडियो एक्टिविटी शो नहीं करेगा इसमें भी ऐसा ही होगा उससे अपोजिट मीन्स इसमें ये रेडियो एक्टिविटी शो नहीं करेगा और ये रेडियो एक्टिव लिक्विड शो करेगा क्योंकि इसका प्रोटीन कोट है ना ये और प्रोटीन पार्ट में क्या था रेडियो एक्टिव सल्फर था ये ही इसका कंक्लूजन ये है आपकी बुक में आप देख सकते हो बैक्टीरिया दैट वर इन्फेक्टेड विद वायरसेस दैट हैज द रेडियो एक्टिव प्रोटीन्स वर नॉट रेडियो एक्टिव दिस इंडिकेट दैट प्रोटीन डिड नॉट एंटर द बैक्टीरिया फ्रॉम द वायरस डी एन ए इज देयर फॉर द जेनेटिक मटीरियल दैट इज पास फ्रॉम वायरस टू बैक्टीरिया ओके स्टूडेंट इसका मतलब ये है कि बैक्टीरिया दैट वर इन्फेक्टिड विद वायरस जो बैक्टीरिया वायरस से इन्फेक्टेड हो गए थे दैट हैड रेडियो एक्टिव प्रोटीन्स वर नॉट एट रेडियो एक्टिव लेकिन जो रेडियो एक्टिव प्रोटीन्स से हुए थे वो रेडियो एक्टिविटी शो नहीं करते दिस इंडिकेट्स ये इंडिकेट करता है कि जो प्रोटीन है उसके अंदर प्रोटीन डिड नॉट एंटर द बैक्टीरिया जो प्रोटीन है वो बैक्टीरिया के अंदर एंटर ही नहीं हुआ फ्रॉम द वायरस वायरस से डी एन ए इज़ देयर फॉर जेनेटिक मटीरियल जो डी एन ए है वो जेनेटिक मटीरियल है इस पास फ्रॉम वायरस टू बैक्टीरिया वही वायरस से बैक्टीरिया में एंटर हुआ है ओके स्टूडेंट्स थैंक यू बाय बाय